पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने 10 दिसंबर को पौंग बांध विस्थापितों को वचन दिया था कि पौंग बांध झील के किनारे परंपरागत तरीके से जो खेती चल रही है वो चलती रहनी चाहिए और इसका स्थायी समाधान हम 2-3 दिनों में ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम से हमारी मांग है कि 1 सप्ताह का समय गेहूं की बिजाई के लिए बचा है, ऐसे में सीएम 1 सप्ताह के भीतर पौंग बांध विस्थापितों को बिजाई की अनुमति प्रदान करे। पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने 10 दिसंबर को पौंग बांध विस्थापितों को वचन दिया था कि पौंग झील के किनारे परंपरागत तरीके से जो खेती चल रही है वो चलती रहनी चाहिए और इसका स्थायी समाधान हम 2-3 दिनों में ढूंढेंगे। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि सीएम अपने वचन के विपरीत इन लोगों को खेती बाड़ी से रोक रहे हैं और इन पर मामले भी बनाए जा रहे हैं और विभाग द्वारा इन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है। सीएम को हम बताना चाहते हैं कि पौंग झील के किनारे की भूमि पर ही एक विधायक ने भी खेती की है, ये भूमि किसकी है? बैटलैंड वाइल्ड लाइफ BVMP की। विधायक का कहना है कि मेरे सीएम से मधुर संबंध है तथा कुछ लोग मेरे और सीएम के संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। डॉक्टर सुशांत ने कहा कि हमारा किसी विधायक से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जिन नियमों के तहत विधायक को खेती बाड़ी की अनुमति दी जा रही है उसी के तहत 50,000 गरीब विस्थापितों को भी अनुमति दी जाए। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि जिला कांगड़ा के 4 विधानसभा क्षेत्रों के पौंग बांध विस्थापित सड़कों पर आने की कगार पर पहुंच गए हैं। फतेहपुर, जवाली, देहरा और जसमा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित इन विस्थापितों को न तो राजस्थान में नहरी मुरब्बे मिले हैं और न ही इनके पास कोई रोजगार है और न ही जीवन यापन के लिए कोई भूमि। डॉक्टर राजन सुशांत ने कहा कि नवंबर दिसंबर माह जब पौंग बांध का पानी नीचे उतरता है तो उस भूमि पर पौंग बांध विस्थापित निरंतर पीढ़ियों से गेहूं बीज का साल भर का राशन निकाल लेते हैं। सीएम से हमारी मांग है कि 1 सप्ताह का समय गेहूं की बिजाई के लिए बचा है, ऐसे में सीएम 1 सप्ताह के भीतर पौंग बांध विस्थापितों को बिजाई की अनुमति प्रदान करें। मैं राजन सुशांत, बाकी आप सबका भी हो जाए, कुछ तो पुराने परिचित लोग हैं, पर फिर भी आज का मुख्य विषय है कि 50,000 से ज्यादा पौंग बांध विस्थापित किसान भूखे मरने की नौबत में पहुंच गए हैं। जिला कांगड़ा के फतेहपुर, ज्वाली, देहरा और जसवां परागपुर हलकों के हैं। इनको ना तो राजस्थान में नहरी मुरब्बे मिले हैं, ना ही यहाँ पर इनके पास कोई रोजगार है, ना ही इनके पास जमीन है। नवंबर और दिसंबर में जब पौंग झील का पानी उतरता है तो इसमें ये कनक पैदा करके तो 1 साल का राशन अपने और अपने परिवार के लिए पैदा कर रहे हैं निरंतर पीढ़ियों से। हमें अफसोस है कि मुख्यमंत्री जी से जब हम मिले थे 10 दिसंबर को तो उन्होंने हमें ये वचन दिया था कि ये परंपरागत रूप से जो खेती चल रही है वो चलती रहनी चाहिए और इसका स्थायी समाधान हम 2-3 दिनों में ढूंढेंगे। उसके बाद हम शिमला भी मिले थे, तब भी हमें यही वचन दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपना वचन निभाने के बजाय ठीक उसके उल्ट इन लोगों को खेतीबाड़ी से भी रोक रहे हैं, इन पर मामले भी बनाए जा रहे हैं और विभाग के द्वारा इनको डराया धमकाया भी जा रहा है। तो आज हम मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक विधायक ने खेतीबाड़ी की है इसी भूमि पर, वेटलैंड और वाइल्ड लाइफ की लैंड है ये, वहां पर BVMB की लैंड है। हमें तो यही मालूम नहीं है लैंड है किसकी, लेकिन खेतीबाड़ी की है और वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का बड़ा खास विधायक हूं, चहेता हूं, इसलिए हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग मेरे पर गलत केस बना रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसी विधायक से कोई विरोध नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन जिस नियम के तहत आप इन विधायक को इजाजत दे रहे हैं खेतीबाड़ी करने की, वही नियम इन 50,000 गरीब लोगों पर भी लागू हो, हम ये कहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, एक हफ्ते का टाइम बचा है, इस एक हफ्ते में अपने विभाग को आदेश दे दीजिए ताकि ये लोग एक हफ्ते में अपनी फसल पैदा करके तो भूखे मरने की नौबत में ना आए।